हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री वर्ड बाय वंदना। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट फॉर द चैप्टर नंबर वन, सॉरी चैप्टर नंबर टू, 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट पार्ट में हमने सिर्फ वहाँ पे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। अब उसमें चार क्वांटम नंबर दिए थे, उसमें से पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी शेल और लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब ये जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है? ये हमें मेन एनर्जी शेल को बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो वो मेन शेल के, जो न्यूक्लियस के बाद पहली वाली जो शेल आती, मेन शेल, एनर्जी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो के शेल रिप्रेजेंट करता है। अगर एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो एल शेल, 3 है तो एम शेल, और एन की वैल्यू 4 है तो एन शेल रिप्रेजेंट करता है। अब और क्या क्या चीज़ें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें अगर वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है किसी भी शेल में, अगर के एल एम एन किसी भी शेल में है, तो उसकी कितनी एनर्जी है वो अगर डिटरमाइन हमें करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है -2π² एम री रेस टू 4 एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। आपको पता ही ये सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें दी है। इस हिसाब से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, पाई की वैल्यू, और यहाँ पे एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसमें है वो डाल दो, आपको एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की मिल जाएगी, उस शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस भी डिटरमाइन करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एवरेज डिस्टेंस भी बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो आप समझ जाएंगे कि न्यूक्लियस के बाद पहली वाली जो मेन शेल है उसी में इलेक्ट्रॉन है। अगर एन की वैल्यू 2 है तो आपको पता चलता है एल शेल में है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू एन की इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब आता है नेक्स्ट सेकंड क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं एजुमिथल क्वांटम नंबर। दूसरा वाला आपका क्वांटम नंबर है जिसको स्मॉल एल से बताया जाता है। इट डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर और एजुमिथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम बारे में बताता है। इसको एल से दर्शाते हैं और इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमें देती है सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी शेल बताता है, जबकि एजुमिथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि भाई एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और ये सबशेल से रिलेटेड है। मतलब मेन एनर्जी शेल के एल एम एन, और उसके सबशेल जो आते हैं आपको पता ही है, के अंदर एस आता है, एल के अंदर एस और पी आता है, एम के अंदर एस पी डी आता है, सब शेल है, सब एनर्जी लेवल है, और डी के अंदर आपके एन के अंदर एस पी डी एफ आता है, ये छोटी छोटी सब शेल होती है उसके अंदर, इसके बारे में हमें बताता है। बराबर है? तो भाई उसके बारे में हम देखते हैं किस तरह से हम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एजुमिथल क्वांटम नंबर जो आता है उसकी वैल्यू आपकी कहाँ से क्या शुरू होती है? एजुमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी 0 से लेके एन माइनस 1 तक होती है, जहाँ पे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मतलब अगर जैसे एल की वैल्यू 0 से लेके 1, 2, 3 एन माइनस 1, अगर इसको हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो नीचे एक पूरा दिया ही है उन्होंने। देखिए, जैसे अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू आएगी आपकी 0। क्यों भाई? क्योंकि 0 से लेके एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0 आएगा, मतलब एक ही सब शेल आएगा और वो आता है 1s के शेल में। अगर n की वैल्यू 2 है
तो L की वैल्यू आएगी 0 और 1। कैसे? तो यहाँ पे देखें 0 और यहाँ से देखो 2 माइनस 1 1, तो 0 और 1 दो वैल्यू आ गई। अगर इनकी वैल्यू 2 है तो दो सबशेल आएगा और वो होता है 2s एंड 2p। आपको पता है 2s और 2p किस शेल में आता है? L। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू आएगी 0 1 2, मतलब तीन सबशेल आएगा 3s 3p 3d और वो m शेल आता है। बराबर है? देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल बता रहा है m थर्ड नंबर की, और ए जो आपका एजुमिथल क्वांटम नंबर है ये सबशेल बता रहा है। आपको पता है k में सिर्फ s आता है, l में s और p आता है, m में s p d ये तीन आते हैं। तो इस तरह से अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3, मतलब 4 सबशेल आता है। तो 4s 4p 4d 4f ऐसे आपके आ जाएंगे एजुमिथल क्वांटम नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे दिखाए उन्होंने, अगर वैल्यू L का 0 1 2 3 4 5 है तो उसका सबशेल आता है 0 के लिए S, P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, 5 के लिए H। अभी तक तो जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए वहाँ तक तो सिर्फ F तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अभी G और H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं है, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन अभी तक 119 शायद 120 अभी रिसर्च चल रहा है एटॉमिक नंबर, लेकिन आपके पीरियोडिक टेबल में 118 राइट इतने एटॉमिक नंबर का दिया है, तो उसमें सिर्फ F तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है राइट। तो एजुमिथल क्वांटम नंबर गिव्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस शेल्स, हमें एनर्जी के बारे में भी बताता है। जैसे 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 आप S से F की तरफ जाते हो तो एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। 4S से ज़्यादा 4P है, 4P से ज़्यादा 4D की है, 4D से ज़्यादा 4F की है। दिस क्वांटम नंबर गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एजुमिथल क्वांटम नंबर की वजह से हमें उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी का ही हमें एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। मतलब एनर्जी तो मिलती ही है, एंगुलर मोमेंटम भी मिलता है, और उसका फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का एच अपॉन 2π अंडर रूट एल एल प्लस 1 राइट। यहाँ पे आप जिस जो भी नंबर का एल की वैल्यू जो है वो डाल दो और उस हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन का जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट थर्ड है क्वांटम नंबर, दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हमारे पास दिया है सिंबल एम एल राइट। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में देखते हैं हम क्या चीज़ है। नाउ इन दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक, जो इन्फ्लुएंस होता है आप देख लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन सर्टन प्रिफर रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस एंड दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सिंबल दिया है एम और एल छोटा वाला। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, नेचुरली भाई अगर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर एटम्स है, उस एटम के अंदर आपका आपको पता ही है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स है। अब उस इलेक्ट्रॉन्स जो उस ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन आइटम में घूम रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ उसका एक्सटर्नल जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसके इन्फ्लुएंस में भी आता है, और वो खुद को ओरिएंट करता है एक खास रीजन स्पेस में न्यूक्लियस में, और उसी को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दिस क्वांटम नंबर गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल्स। अब जैसे एल की वैल्यू दिया है तो एम एल की वैल्यू आएगी माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। मतलब अगर हमारे पास एल की वैल्यू जो भी है उस एल की वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आपकी प्लस माइनस एल और जीरो तीन वैल्यूज आएगी। जैसे एग्जाम्पल्स से देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज आएगी 2L प्लस 1,
12 प्लस 1, इसको हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। अगर L का वैल्यू 0 है तो ML का वैल्यू आएगा 0, तो S सब शेल की एक ही ऑर्बिटल है S ऑर्बिटल। अगर L का वैल्यू 1 है तो उसके तीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आना चाहिए, माइनस 1, 0, प्लस 1। और आपको पता है अगर L का वैल्यू 1 है, ए एस है और ए पी है, तो पी सबशेल्स में तीन ऑर्बिटल्स आते हैं जो होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये तीन आपके आ गए उसके ऑर्बिटल्स, राइट। तो इस तरह से आप देखिए, अगर एम की वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू है, तो आपको पता है एल का वैल्यू, एम एल का वैल्यू आएगा माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2। और आपको पता है एल की वैल्यू 2 है, मतलब इसमें डी सबशेल आएगा, उसमें 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, राइट। और एल का वैल्यू 3 है तो एम एल का वैल्यू माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3। मीन्स इसमें आपकी एल की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो एस पी डी, एस सॉरी एस पी डी और ये आएगा एफ। और तो इस तरह से एफ आता है और एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। और इस तरह से आपको एजुमिथल क्वांटम नंबर के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी हमें पता चल जाता है ऑर्बिटल्स के बारे में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। अब नेक्स्ट आता है लास्ट वाला क्वांटम नंबर, दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है तो देख लीजिए, तीन क्वांटम नंबर से तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से कहाँ पे पोजिशन पे है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय स्पिन क्वांटम नंबर? देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस बट ऑल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड में नहीं स्पिन करता, बट इट ऑल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्सेल्फ, इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो। जब किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड में स्पिन नहीं करता, बट इट ऑल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस के अराउंड में भी करता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हैं, प्लैनेट्स सन के अराउंड में सिर्फ रिवॉल्व नहीं करते, तो खुद के एक्सिस में भी रिवॉल्विंग करते रहते हैं। तो यही स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको दर्शाने के लिए एम और एस दिया है, एस। तो द स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब बाय द स्पिन क्वांटम नंबर। सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन टू वेज, आपको पता है स्पिनिंग दो तरह से होगी, एक क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस स्पिन क्वांटम नंबर कैन टेक टू द वैल्यूज, प्लस 1/2 स्पिन क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए और माइनस 1/2 एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए। उसके दो ओरिएंटेशंस डिजाइनेटेड किए गए हैं बाय द एरोस, जैसे अप वाला एरो जो बताता है वो स्पिनिंग अप, और डाउन वाला जो है वो स्पिनिंग डाउन, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों वैल्यू के लिए आपका हो गया। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक तरह से हमें सिर्फ क्या है तो उसका अगर जानना है तो इतना ही है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड में स्पिनिंग करता है तो वो सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड नहीं स्पिनिंग करता, खुद के एक्सिस के अराउंड भी स्पिनिंग करता है। और यही स्पिनिंग दो तरह की होती है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्पिनिंग कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कर सकता है। क्लॉकवाइज से कर रहा है तो उसको हम दर्शाने के लिए अप एरो है, एंटी क्लॉकवाइज से है तो डाउन वाला है। क्लॉकवाइज के लिए प्लस 1/2 वैल्यू है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस 1/2 वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ पे एक आपका डायग्राम भी दिखाया जिसमें पूरा आपका आ जाएगा किस तरह से है, देख लीजिए। जैसे KLMN जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 है, आगे मेन सर्च सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद आपका एजुमिथल क्वांटम नंबर से अगर हमें सबशेल बताता है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू भी 0 आएगा, और n का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू आएगा, आपको पता ही है 0 and 1, तो 0 के लिए 2s और 1 के लिए आता है आपका 2p, राइट। इस तरह से आपको इस सभी चीज़ें यहाँ पे बताई है, देख लीजिए पूरा दिखाया उन्होंने। n की वैल्यू 3 है तो आपको पता है L की वैल्यू 0, 1, 2 आएगी, N की वैल्यू 4 है तो 0, 1, 2, 3 आएगी।
अगर जीरो है, देखो यहाँ पे तो एस, वन है तो पी, और अगर आपका दो टू है तो डी है। लेकिन मेन आपका एनर्जी शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री है, इसलिए यहाँ पे थ्री एस थ्री पी थ्री डी आएगा। अगर एन का वैल्यू फोर है तो आपको पता ही जीरो वन टू थ्री, और वन आता है एस के लिए लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर है तो फोर एस। फिर अगर वन के लिए फोर पी, टू के लिए फोर डी, और आपके थ्री के लिए फोर एफ, और उनके सबके ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे दिए हैं। ऑर्बिटल का फॉर्मूला आपको पता ही है किस तरह से आएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑर्बिटल भी है। तो आशा करती हूँ चारों के चारों आपको उस क्वांटम जो दिए हैं क्वांटम नंबर वो समझ में आ गए होंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, और मेरे चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।